जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसा है आप लोग? दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज बातचीत करता हूँ, दोस्तों क्या है, ट्रेनिंग के टाइम में आपको बीम पुशअप मंकी रोप ऊपर चढ़ने के लिए रचा रहेगा, कैसे चढ़ना पड़ेगा, इसका क्या है। दोस्तों बीम डेली होगा, इसका एक्सरसाइज ए टू जेड, आपको बहुत सारा एक्सरसाइज रहेगा पीटी में। और दोस्तों आपको क्या है, आपसे नहीं हो पाएगा तब आप क्या करेगा, रस्सा चढ़ने के लिए ताकत चाहिए, बीम मारने के लिए ताकत चाहिए, मंकी रोप के लिए ताकत चाहिए दोस्तों। और इसमें भी टेस्ट होता है दोस्तों, 12 वीक में, 3 महीने में इसका टेस्ट होता है। और इसमें दोस्तों आप फेल हो गया तब आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो सब वीडियो देखते रहिए और बिना स्किप करते हुए, तो अब आप लोगों को क्या है, जो भी ट्रेनिंग में होगा उसका बारे में मैं बातचीत करता हूँ और उसका सोल्यूशन भी दे देता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम में जैसे मेरा साथ हुआ है आपका भी ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। और तब भी ना आप लोगों को हिम्मत चाहिए उस टाइम, और हिम्मत लेगा तो आप भी पास हो जाएगा मेरा जैसा ट्रेनिंग में। मैं क्योंकि मेरा बहुत परेशान हो गया था बीच में, क्योंकि जो आदमी फिर होगा ना उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो देख लेना। दोस्तों देखिए, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, मैं फ्री स्टाइल बात बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों क्या है, मेरा कोई एकेडमी नहीं है, मैं एक फौजी का है, बाज कॉन्स्टेबल जीडी हूँ। और इसलिए दोस्तों क्या है, मैं जितना बोलूँगा दोस्तों मेरा साथ जो भी हुआ है बात, ट्रेनिंग में जो भी होता है वही मैं बात बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आजकल बहुत सारा एकेडमी खोल लिया है, क्या है एकेडमी में ये करूँ दोस्तों, इसका बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करूँगा दोस्तों आपको, क्योंकि गरीब आदमी है वो एकेडमी में जा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से वो मतलब इतना स्टेज तक अभी पहुँचा है। उसका बाद भी बहुत आदमी क्या करता है, जिसका पास मतलब पैसा भी नहीं है, वो भी बोलता है हमारा घर का लड़का कहाँ नौकरी जॉब मिलेगा। इसलिए दोस्तों जिसका पास गरीब जो मेरा जैसा था, अभी भी मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ, तभी मैं आप उन भाई लोगों के लिए बोलता हूँ, जो भी आदमी है आपका परेशान है मुझे कॉल कर सकता है, मुझे आप कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम कुछ है तो आप बोल सकता है आपको, मैं वो रनिंग हो आपको टिप्स आपको कैसे क्या करना है सब कुछ। 2023 के लिए भी आप टारगेट ले रखा है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बा आप वीडियो में नीचे आप कमेंट में ज़रूर बता सकता है कैसे रनिंग पास करना है, बा आपको फिजिकल आपका कम है, सेस्ट कम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों मेन पॉइंट में बात करता हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या होगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, ट्रेनिंग के दौरान आपको जैसे आपको पीटी होता है, आपको सुबह होता है, आपका जब 6 महीने तो आपका सुबह ही रहेगा पीटी, उस टाइम आपको क्या होगा, 3 पीरियड आपको मिलेगा पीटी का क्लास। दोस्तों आपको धीरे धीरे ताप होते रहेगा पीटी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, किंतु कब समझ में आएगा, जब आपको रिलीगेट होगा दोस्तों। रिलीगेट कब होता है दोस्तों, जब आप एग्जाम में फेल हो जाएगा। एग्जाम कब होगा दोस्तों, 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा फास्ट। दोस्तों आप लोग घर आने के लिए मन होगा दोस्तों, 6 महीने में जो मिड टर्म मिलता है उसमें घर आने के लिए आपका भी मन जाता होगा, बा मन जाएगा, बा मेरा भी मन गया था, हम भी सपना देख रहा था 6 महीने के बाद घर में जाऊंगा ड्रेस पहन के, और कैसे आया था मैं भी वो भी बात बता दूंगा आपको। देखिए आपका भी मन जाएगा जब आप 6 महीने घर देखेगा नहीं ना, बहुत याद आएगा। और दोस्तों उसका याद में आपको क्या है, आपको हिम्मत चाहिए दोस्तों, और 6 महीने में आप आ नहीं पाएगा और साल भर लगेगा दोस्तों, और ये बात ध्यान रखना हमेशा, 6 महीना में आपको पास होना है ना, घर में आना है ना, तब आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोस्तों देखिए आपको रनिंग करा जाएगा। रनिंग क्या है, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, आपको हर दिन 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रहेगा, आपका रनिंग टेस्ट होगा बनियान में, खाकी निक्कर में 5 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद 8 किलोमीटर रनिंग। आपको क्या हर हफ्ता नहीं तो आपको 15 दिन के अंदर ऐसे एक टेस्ट होता, वो एक फाइनल नहीं है, ऐसे टेस्ट होए, आप ज़रूर उसमें ध्यान देना। आप ऐसा नहीं करना है जी, आप टाइम भी देखना है आपका कितना टाइम में पहुँचा, आप एक्सीलेंट मार रहे हैं तो अच्छा ही है, किंतु जो आदमी गुड में आ रहा है वो एकदम एक्सीलेंट मारने के लिए, वो ऐसा मत करना। आपका जितना स्टेमिना है इतना ही आप रहिए, और हो सकता है थोड़ा सा बढ़ाए, किंतु ज़्यादा आपको क्या है शरीर पूरा ये कर देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। इसलिए दोस्तों क्या है, अभी जो फाइनल में है ना, फाइनल में जितना दिखाना है दिखाओ, किंतु एक बात पता है, फाइनल में भी आप सेफ्टी से आप करना है, क्योंकि दोस्तों कुछ पाव फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई रिस्क लेने वाला नहीं, ना आपका इंस्ट्रक्टर ना आपका दोस्त साथी वाला। जय हिंद, सावधान, विश्राम, सैल्यूट मारने के लिए उसका रेडी हो जाएगा, पोस्टिंग भी मिल जाए, आप ट्रेनिंग करते रहेगा। किस लिए दोस्तों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए आप
थोड़ा सा ध्यान देगा आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, हॉस्पिटल भेज देगा, आप रेलीगेट हो गए। इसलिए दोस्तों क्या है, आप दोस्त को नहीं देखना है, आप ट्रेनिंग किसी को नहीं देखना है, सिर्फ खुद को देखना है कैसे मैं ट्रेनिंग पास करना है मुझे, दूसरे को नहीं देखना है। वो जोर से दौड़ रहा है, मैं भी उसको काट देता हूं, ऐसे नहीं करना। आपको पाँव फ्रैक्चर बाहर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहाँ से क्या करेगा, ऐसे बहुत केस है। मेरा साथ वाला ऐसे कंडम हो गया, ये जो उसका जो डिस प्रॉब्लम था पहले से, वो पूरा नौकरी से उड़ के लीक के चला गया है, मेरे से नौकरी नहीं होगा सर, क्योंकि उसका आगे रनिंग था राइफल लेके, लास्ट एकदम फाइनल रनिंग था 5 किलोमीटर का, उससे हो नहीं पाया, क्या करेगा, वो लीक के चला गया। अभी भी मुझे मैसेज करता है, मुझे बहुत दुख होता है उसका बारे में। जब भी आता था एक ही रूम में रहता था, एक ही सर मतलब बगल में था मेरा बिस्तर उसका। इसलिए दोस्तों आपको भी बताना चाहता हूँ, आप जरूर इस बात को देखिए, आप सबसे पहले आपको पुशअप मारना चाहिए। आपको जैसे आपको पीटीए में मारेगा, आपको 20-50 बार भी आपको मारेगा, 50 बार तक 100 बार तक भी लगाता है आदमी। और ऐसे मूड बन करके भी, ऐसे भी नॉर्मल, आप हमेशा मूड ऐसे ना मुट्ठी बन करके आप पुशअप मारा करो, तब क्या होगा, आपका ताकत आएगा। और आप फ्री टाइम में भी, आपका जॉब क्या है, ग्राउंड में जाएगा, जैसे रोल कॉल का टाइम होता है तो ऐसा 20-25 मिनट मिलता है, उस टाइम आप पुशअप मारो, उसके बाद रसा मिसरने के लिए आपको प्रैक्टिस करो। देखिए किस में ज़्यादा फेल होता है, बीम में, बीम बहुत ज़रूरी है। आपको बीम मारो ताकत आ जाएगा, बीम मारने से भी आपका ताकत आ जाएगा, ऐसे मारिया करो तब आपका ताकत आएगा हाथ में। और बेंच प्रेस जो पुशअप मारेगा ना, पुशअप मारने से भी आपको सिट अप मारा जाएगा। आप बीम में जरूर पास होना है दोस्तों, बीम में भी फेल करा देगा से बीम। और दोस्तों बीम का ताकत कैसे है, आप पुशअप मारना पड़ेगा, पुशअप आप पूरा मारेगा ना 20-25 बार कर एक सेट में मारेगा, बस जिसका 20 बार नहीं हो रहा 10 बार मारिए आप 3 सेट। ऐसे आप क्या है रूटीन बना के आप पुशअप मारिए, उसका बाद आप बीम प्रैक्टिस करो। बीम आपसे हो रहा है तो आप रसा भी सर पाएगा, क्योंकि आपको हाथ में ताकत चाहिए। इसलिए दोस्तों क्या है, आप पहले फास्ट में बात बोला हूँ, रनिंग तो आपको ध्यान देना है, बाकी कोई नहीं है ऐसा आपसे नहीं होगा, क्योंकि सभी से होता है, कौन नहीं करवाता है। ऑप्टिकल 26 ऑप्टिकल है, 18 मिनट टाइम होता है, 17 मिनट में पहुँच जाता है, 16 मिनट में कोई ऐसा है। इसलिए दोस्तों आपसे भी ड्यूअल रसा जो भी है, आपको सिर्फ पुशअप मारिए, पुशअप मारने के बाद आपका स्टेमिना मतलब जोश आएगा, पावर आएगा, पावर आने के बाद आप बीम भी मार सकते हैं। बीम भी आपको रेस टाइम में जब ग्राउंड में जाएगा तब आपको बीम लगातार मारना है, 6 बार 8 बार 4 बार मतलब जितना हो सके आप मारते रहो, क्योंकि नॉर्मल से 6 बार होता है बीम 6 बार होता है दोस्तों। इसलिए बीम मारना जरूरत है। और बेंच प्रेस जो पुशअप है, पुशअप भी आपको जारी रखना, आप इसमें ताकत आता है, ताकत आने के बाद आप रस्सा चढ़ सकते हैं। मंकी रोप बोलते हैं ना, जो बंदर के लिए, जैसे बंदर लटकता है ना, वो है मंकी रोप। मंकी रोप भी आपको मैं दिखा दूंगा, आप वीडियो में फोटो में आप देख लेना मंकी रोप। उसके बाद रस्सा ऊपर से एक्सीलेंट है, पाँव से पूरा नीचे ऊपर चढ़ से सीधा होकर वो ऊपर जाएगा, आप भी कर सकता है, किंतु आपको क्या है ताकत चाहिए। ताकत कैसे आएगा, खाना पीना ठीक रखना है, स्टेप डेली एक एक लेना है ट्रेनिंग में, पैसा कंजूसी नहीं करना, क्योंकि ट्रेनिंग में शरीर आपका ठीक रहेगा तब आप पैसा कमा सकता है। इसलिए दोस्तों क्या है, आप ताकत भी रखना है। ताकत कैसे आएगा, आपको फूल रूट खाते रहना है, पूरा पैसा से नहीं खाना है, थोड़ा बहुत आप डेली एक एक स्टेप ले लो, ट्रेनिंग में तो लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपको क्या है, पुशअप मार लिया, पुशअप में भी आपको देखा जाएगा, किंतु सबसे मेन होता है बीम। पुशअप मारने के बाद आपको बीम तो ज़रूरी है, बीम आप प्रैक्टिस करना, बीम आपको से बीम मारना ही है। उसके बाद मंकी रोप भी, उसके बाद रस्सा का भी बहुत टाइप है, ऐसे ऐसे सो के भी मतलब आगे जाना पड़ेगा आपको। इसलिए दोस्तों क्या है, इतना चीज आप सबसे एक ही है, आप बीम मार लिया तो आप रस्सा कुछ भी चढ़ लेगा, उसके बाद बीम मार रहा है तो आप बेंच स्टेज आप जो पुशअप है पुशअप भी मारा प्रैक्टिस करिए। दोस्तों इतना है ट्रेनिंग में, बाकी कोई नहीं, सब फिट हो जाएगा आपको, सिर्फ ताकत का पुशअप बीम रसा आराम से चढ़ पाएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, 6 महीने आपको बीम लगाना है, 6 बीम से आप एक्सीलेंट भी मार सकते हैं 10 मेरा जैसा, और आप रनिंग भी एक्सीलेंट मारो तब तो फायदा है आपको, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में जो POP होगा ना, ट्रेनिंग के टाइम POP में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सबसे आप पूरा कंपनी में बस पूरा आपका जो बैच से बैच का आपका पूरा ये करेगा ना बैच में, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों ट्रेनिंग में बीम सब कुछ, और ध्यान रखना दोस्तों
अच्छा से, क्योंकि दोस्तों मेरा इसमें प्रॉब्लम हुआ था, मैं भी पेंट का दवाई लेके भी मैं एक्सेलन वाला था बीम, नहीं तो मुझे घर भेज, नहीं तो मुझे रिलीगेट हो जाता श्रीनगर के लिए। इसलिए दोस्तों क्या है, आप रिलीगेट नहीं होना, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जरूर देखने से आपका कोई भी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आप सोच रहा है ना, आप आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, अब फिट हो जाएगा, ट्रेनिंग आराम से निकल जाएगा। दोस्तों कोई मतलब कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है, पुशअप मारना कोई बड़ा चीज़ नहीं, बीम मारो, रसा मानकी रहो, कुछ भी हो आराम से। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों आप लोग इस बार रेडी हो जाइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।